सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। प्रीवियस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें रिया रिपली एंड नया जक्स का एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। लग ये रहा है गाइज कि या तो रेसलमेनिया 40 में या तो रॉयल रंबल 2024 में हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखने को मिलने वाला है। तो इसी मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सैल्यू वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो गाइज, होता क्या है कि लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें सिंपली कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है रिया रिपली एंड बेकी लिंच का। काफी लंबे समय से ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि WWE प्लान बना रही है कि रेसलमेनिया 40 में बेकी लिंच वर्सेस रिया रिपली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। तो ये तो हो सकता है कि WWE टीज करके हमें बता रही है। लेकिन गाइज, उससे पहले वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें एक ही रिंग में रिया रिपली एंड नाया जैक्स का आमना सामना देखने को मिलता है, जहां पे रिया रिपली बोलती है नाया जैक्स को कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बड़ा कुछ गेम खेल के आई हो, लेकिन तुम कुछ भी करके नहीं आई हो, ना ही तुम इस साल के वुमेन्स के रॉयल रंबल जीत के आई हो, तो तुम उस लायक नहीं हो कि तुम मेरे सामने खड़ा हो जाओ। फिर उसके बाद नया जैक्स बोलती है रिया रिपली को कि देखो, मैं मानती हूँ कि जो तुम्हारे वुमेन्स चैंपियनशिप का जो रन है वो काफ़ी तगड़ा है, हमारे वुमेन्स डिवीजन का, इनफैक्ट वुमेन्स डिवीजन के हिस्ट्री का सबसे अच्छा तुम वुमेन्स के वर्ल्ड चैंपियन हो और वुमेन्स चैंपियन हो, लेकिन मेरा और तुम्हारा आमना सामना 1-on-1 मैच में नहीं हुआ है। जब मेरा और तुम्हारा सामना 1-on-1 मैच में होगा तो मैं तुमको हराऊंगी और जो ये तुम्हारा अनडिफीटेड स्ट्रिक चल रहा है एज अ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, मैं उसको भी खत्म करूंगी और मैं बनूंगी न्यू वुमेन्स के वर्ल्ड चैंपियन। फिर रिया रिपली याद दिलाती है नाया जैक्स को कि याद करो, 2023 के वुमेन्स के रॉयल रंबल में मैं ही वो सुपरस्टार थी जिसको तुमको मैं इलिमिनेट करती हूँ। तो गाइज, कुछ ये हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। या तो गाइज लग रहा है कि WWE एक वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिपली वर्सेस नाया जैक्स का मैच को करवा सकती है, या तो हो सकता है गाइज कि अभी तक तो क्लियर हमें पता नहीं चला है कि रॉयल रंबल 2024 में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो कौन से सुपरस्टार होने वाली है जो कि रिया रिपली को फेस करेंगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रिया रिपली के सामने नाया जैक्स हो सकती है और नाया जैक्स वर्सेस रिया रिपली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल 2024 में मैच हो जाए, क्योंकि रॉयल रंबल में पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि वो अपना वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी।